नमस्कार दोस्तों, मैं अंजुला चंदनी। एक ही व्यक्ति के तीन नाम, जी हाँ, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, आप सभी परिचित होंगे इनसे। इनके नाम ऐसे, तीन नाम कैसे हुए इनके, जी हाँ, आज हम बात करेंगे इनके बारे में। इनका असली नाम, वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त, विष्णु नाम था और गुप्त वंश में थे ये, तो इनका पूरा नाम था विष्णुगुप्त। और चाणक्य क्यों पड़ा इनका नाम, क्योंकि इन्होंने नीति बनाई। चाणक इनके गुरु थे, तो ये उनके शिष्य थे चाणक के, तो चाणक से बना चाणक्य। और कूट नीति में ये माहिर थे, इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी और इसलिए इनका नाम बना कौटिल्य। कुटिल से बना कौटिल्य, कूटनीति से बना कौटिल्य। तो मैं बता देती हूँ इनके बारे में। इनका जन्म तक्षशिला में हुआ था और मृत्यु पटना में हुई। कहते हैं कि 375 ईसा पूर्व तक्षशिला में जन्म हुआ, जो रावलपिंडी के पास है। ये प्रोफेसर थे, अर्थशास्त्री थे, राजनीतिज्ञ थे। और इनकी मृत्यु 283 ईसा पूर्व जन्म और मृत्यु 283 ईसा पूर्व पटना में हुआ। इनकी मृत्यु पटना में हुई। चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे और राजनीति के महाविद्वान। भारत के निर्माण में सृजनात्मक कार्य किए इन्होंने। ये क्षत्रिय थे और कर्मों से ये ब्राह्मण थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। इन्होंने भील और किरात राजकुमारों को प्रशिक्षण दिया। नंद वंश का समूल नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। आप सभी जानते हैं कि इनका अपमान हुआ था इनकी कुरूपता के कारण। राजा नंद ने इनको अपमानित किया था और उन्होंने चोटी खोल दी थी इन्होंने, कि जब तक मैं इसका विनाश नहीं कर लेता, मैं चोटी नहीं बांधूंगा। तो इन्होंने उनके, नंद जो राजा थे, उनकी दासी पुत्र थे, उनका, उनकी दासी थी, उसके पुत्र का नाम था चंद्रगुप्त, उसी को पूरा प्रशिक्षण दिया और उसके बाद ही इन्होंने अपने बाल बांधे। अर्थशास्त्र या संस्कृत का एक ग्रंथ है, इसकी शैली उपदेशात्मक है। राज व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इन्होंने अर्थशास्त्र ग्रंथ में लिखा। लेकिन आश्चर्य के बात कि ये राजसी ठाट बाट से दूर छोटी कुटिया में रहते थे। मैं थोड़ा सा आपको इसके कौटिल्य का अर्थशास्त्र के बारे में बताती हूँ, उसमें क्या है। उन्होंने राजा के गुण बताए हैं, जैसे चांद समुद्र को देखकर प्रसन्न होता है, वैसे प्रजा अपने राजा को देखकर प्रसन्न होती है, क्योंकि एक राजा ही देश की उन्नति का कारण होता है। राजा को परोपकारी होना चाहिए, पक्षपात रहित होना चाहिए, धर्म पालक होना चाहिए, प्रजा का रक्षक और होना चाहिए और सत्यवादी होना चाहिए। राजा को काम क्रोध लोभ मद मोह को त्याग देना चाहिए। और ये कहते हैं कि राजा को, जो पापी जन प्रिय राजा और राज्य का घात करते हैं, वे देशद्रोही कहलाते हैं, निंदनीय होते हैं। राजा का कर्तव्य बनता है कि वे ऐसे दुष्टों को दंड दे, पहले उन्हें सुमार्ग पर लाने की चेष्टा करे, ना माने तो दंडित करे राजा। ऐसे लोगों पर राजा निगरानी रखे, विद्रोहियों से बात ना करे, कठोरतम दंड से प्रजा विचलित होती है और कोमल दंड से तिरस्कार करने लगती है, अतः राजा को मध्य मार्ग अपनाना चाहिए। ऐसे ही उसमें लिखा है, कर वसूली के तीन प्रकार होते हैं। एक तो अपने राज्य में उत्पन्न वस्तुओं की चुंगी, दूसरा राजधानी में उत्पन्न वस्तुओं की चुंगी और तीसरा विदेश से आने वाले वस्तुओं की चुंगी। इन्होंने बताया है कि आयात माल पर उसकी लागत का पांचवा हिस्सा चुंगी ली जाए, फल फूल सब्जी मांस मछली आदि पर लागत का छठा हिस्सा चुंगी ली जाए, कपड़े शराब सिल्क ऊनी वस्त्रों पर लागत का पंद्रवा हिस्सा चुंगी ली जाए, सूती कपड़े दवाई चमड़ा अनाज घी तेल नमक इन पर लागत का 20वां हिस्सा चुंगी लिया जाए। इन्होंने आर्थिक और शारीरिक दंड के विषय में बहुत कुछ लिखा है, कड़े दंड विधान लिखे हैं इन्होंने, कौटिल्य ने कुटिल नीतियां बताई हैं। तो यह है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बहुत कुछ। राजा को कैसा होना चाहिए, प्रजा को कैसा व्यवहार करना चाहिए, राजा को कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सब अर्थशास्त्र में लिखा है। अब मैं थोड़ा सा आपको चाणक्य नीति के बारे में बताती हूँ, बहुत काम की बातें हैं ये। परम मित्र कौन है, विद्या मित्रम प्रवासेशु, भार्या मित्रम गृहेशु च, व्याधिस्तस्योद्धेय औषधम, मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। अर्थात क्या है इसका मतलब, क्या है, विदेश में जाने वालों का सच्चा मित्र विद्या है, पति के लिए पतिव्रता स्त्री सच्ची मित्र है,
रोगी के लिए दवाई मित्र है और मरते व्यक्ति के लिए उसका धर्म और सदकर्म उनके मित्र हैं। क्रोध के बारे में इन्होंने कहा है कि क्रोध साक्षात यम का स्वरूप है, तृष्णा वैतरणी नदी है जिसे पार करना कठिन है, विद्या काम धेनु गाय है जो सभी इच्छाएं पूरी करने में सक्षम है, और संतोष नंदन वन समान मोहक सुखद है। कर्म, मनुष्य को कहते हैं कि शेर का एक गुण अपना लेना चाहिए। जब वह शिकार करता है, छोटा हो या बड़ा उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वह हाथ में लेता है कोई भी काम या शिकार, उसे पूरा करने में अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। अब शक्तियों की बात करते हैं तो चाणक्य ने कहा है कि बाहुबल और सेवा राजाओं का बल है, तत्व ज्ञान ब्राह्मणों की शक्ति है, सुंदरता यौवन और मीठा व्यवहार स्त्रियों का बल है। और सुख के साधन के बारे में कहते हैं कि दुखों से तपते लोगों को सुख शांति तीन जगह पर मिल सकती है, नंबर एक संतान, दूसरा स्त्री और तीसरा सज्जनों का साथ। शुभ कर्म करने के बारे में इन्होंने कहा है कि मनुष्य के मन में अच्छे कर्म करने के विचार तो आते हैं, लेकिन आलस्यवश वे पूरे नहीं होते, इसलिए जब तक शरीर निरोगी है तब तक कल्याणकारी कार्य कर लेने चाहिए, ना जाने कब मृत्यु का निमंत्रण आ जाए। अब उत्तम पुरुष की बात करते हैं, कहते हैं कि इस संसार में अधम व्यक्ति धन के पीछे दौड़ता है, ये किन प्रकार वह धन कमाना चाहता है, और मध्यम स्तर का जो व्यक्ति है वह धन के साथ सम्मान पाना चाहता है, और जो उत्तम पुरुष है वह सम्मान को महत्व देता है, उसी को ही धन समझता है। अब धर्म और अंतःकरण की बात करते हैं, कहते हैं कि जिस धर्म में दया नहीं वह धर्म नहीं, और जिस गुरु के पास ज्ञान नहीं या जो दंभी है उसका शिष्य बनने में कोई लाभ नहीं। इसी तरह जो घर में सदा झगड़ा करती रहे, पति पर बिना कारण बरसती रहे, वह स्त्री व्यर्थ है, वह पत्नी व्यर्थ है। और जो स्नेह नहीं रखते, मुसीबत के समय साथ नहीं देते, ऐसे बंधुओं से संबंध रखना व्यर्थ है। अब ये सत्य पुरुष के बारे में कहते हैं कि सोने की जांच करनी हो तो घिसना काटना तपाना और पीटना, इसी से उसकी शुद्धता का पता चलता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की श्रेष्ठता कैसे पता चलती है, उसकी उदारता से, चरित्र से, विद्या से और सत्कर्मों से। अब देखिए अंत में उन्होंने उत्सव क्या है, उत्सव धर्मिता क्या है, संपन्न श्रद्धालु यजमान से निमंत्रण पाना ब्राह्मणों के लिए उत्सव है, गायों के लिए उत्सव है नई नई हरी हरी घास का मिल जाना, और पत्नियों के लिए उत्सव है पति प्रसन्न हो उनके लिए वही उत्सव है, और कहते हैं सच्चे संत के लिए क्या उत्सव है, श्री कृष्ण के चरणों में ही सच्चा उत्सव है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।